गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सचिन धाकड़ ट्विंकलिंग क्लासेस दिस इज अ पार्ट ऑफ एमसीजी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज नई एक्सरसाइज 1.6 पढ़ाने जा रहा हूं, एक्सपोनेंट पावर, एक्सपोनेंट लॉ मींस घातांक नियम आपको पढ़ाने जा रहा हूं। और इसमें आपके कुछ नियम्स जो हैं वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि आपको बता दिया जाए, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इक्वल्स टू क्या होता है, ये सभी एक्सपोनेंट नो लॉ है, घातांक नियम है, एक्सपोनेंट लॉ, एक्सपोनेंट लॉ घातांक नियम। जी, तो ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, जब बेस सेम होता है और पावर अलग अलग होती है तो बेस कॉमन लेके और पावर एड हो जाती है। ठीक है बेटो, क्या होता है जब बेस आपकी सेम हो और पावर अलग अलग होती है तो बेस कॉमन लेकर और आपकी पावर ऐड हो जाती है। सेकंड, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, जब बेस सेम हो और वो अपॉन में हो तो पावर माइनस हो जाती है, ए एम माइनस एन। थर्ड, जब आपका बेस अलग अलग हो और पावर सेम होती है, बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर कॉमन आ जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही बेस के ऊपर दो पावर लगी है, पावर के ऊपर पावर, जैसे ए की पावर एन उसके भी ऊपर पावर एम, पावर के ऊपर पावर होती है तो बेटा जी पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, मीन्स ए की पावर एन एम, समझे, नोट कर लीजिए इसे। आप तो कितनी लंबी बना सकते हैं, एडिटिंग हो जाती है, इसमें बोल सकते हैं आप, जो गया हो गया ऐसा ये नॉर्मल क्लास चल रही है, पीडी चल रहा है, नॉर्मल क्लास चल रही है। ठीक है, देखो मैंने आपके रूल्स नियम मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज हम लिखवा रहे हैं, एक अपना जो स्लोगन है वो जरूर लिखवा दें, मैथ इज सिंपल, ये लिखना बहुत जरूरी है, मैथ इज सिंपल, ये हम क्यों लिखते हैं पता है, क्योंकि आपके मन में ये छवि नहीं बैठनी चाहिए कि मैथ क्या होता है, कठिन होता है, क्योंकि मैथ हमारे लिए क्या बात है, एक सरल बात है। और अभी देख लीजिए, ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए हम करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, पहले का पहला क्वेश्चन बोला गया है फाइंड दैट, याद कीजिए कि 64 की घात 64 पावर 1/2 इसको हमें फाइंड करना है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, पहले का पहला 64 की पावर 1/2, अब इसका मुझे सॉल्यूशन करना है बेटा, हल करना है। चलिए बहुत आसान है, मैं ले लेता हूं उसको 64 की पावर 1/2, इसका सरल से सरल करने का तरीका क्या है, जितनी भी आपके नीचे पावर दिखे आप उसको इसकी पावर बना दीजिए। अब बेटा जी
इस 64 को 64 को मैं किसके पावर बना सकता हूं? एस की मतलब ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसमें ये स्क्वायर होता है? 8 की पावर किसका होता है? 8 की पावर अगर 2 कर दूं तो क्या होता है? 64 ही होता है। और उसके ऊपर भी पावर क्या है? 1/2। और देखिए यहां हमारा एक एक्सपोनेंट एक आता नियम लागू हो रहा है। क्या जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। बहुत बढ़िया, पावर के ऊपर पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये लो हमारा फॉलो हो जाएगा, ए की पावर एन पावर एम इज इक्वल टू एन एम। ये लो फॉलो हो गया और दो से दो कैंसिल हो गया, बचेगा क्या? एट। और एट इज द राइट आंसर। दूसरे में क्या बोला है? 32 पावर 1/5, 32 की घात 1/5। अब इसको हमें करना है, बहुत आसान है। क्या बोला गया सेकंड क्वेश्चन में? 32 पावर 1/5, इसका हमें सॉल्यूशन देना है। देखिए बच्चों, इसका हम सॉल्यूशन देंगे 32 की घात 1/5। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम इसका क्या पावर का डिनोमिनेटर मतलब हर देखते हैं, हर इसमें कितना है? 5। तो मतलब हमें इस 32 को 5 पार्ट में तोड़ना होगा। तो बिल्कुल तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? देखो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और पावर कितनी है? 1/5। देख लीजिए, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32 टूट गया ना? वेरी गुड। तो मैं इसको 2 की पावर 5 देख सकता हूँ। और ऊपर पावर कितनी है? 1/5। और मैंने आपको बताया था जब पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या हो जाता है? पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो 2 की पावर 5 × 1/5 कौन सा एक्सपोनेंट लो फॉलो कर रहा है? ये तो कर रहा है हमारा, यस। तो 5 से 5 इसे भी आ जाएगी। तीसरा क्या बोल रहा है? 125 की घात 1/5, 125 पावर 1/3। ये है ना? चलिए मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। बेटा आपको अब इस 125 को कितने पार्ट में तोड़ना है? 3 पार्ट में। मैंने बताया था जितने भी नीचे आपकी डिनोमिनेटर मतलब हर होता है उसको उतने पार्ट में तोड़ दे। यदि टूट सके तो ये तो टूट सकता है ना 3 पार्ट में। कैसे? ऐसे 5 × 5 × 5 तो मैं क्या इसको 5 की पावर 3 ले सकता हूँ? और ऊपर पावर कितनी है? 1/3। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब पावर के ऊपर पावर होती है तो कौन सा एक्सपोनेंट लॉ फॉलो करता है? ए की पावर एन पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एन इंटू एम। बहुत बढ़िया। तो ए की पावर एन इंटू एम, तो ये हम लॉ फॉलो कर रहा है हमारा, ठीक है। तो क्या मैं 3 से 3 कैंसिल कर सकता हूँ? आप 5 की पावर कितनी रह जाएगी? 1 रह जाएगी। और 5 की पावर 1 मतलब 5। ये लीजिए, ये हमारा। चलिए अब हम दूसरे वीडियो पढ़ते हैं। दूसरा में मैं क्या बोल रहा है? ज्ञात कीजिए, बोल रहा है ज्ञात कीजिए, कीजिए फाइंड दैट। क्या ज्ञात करना है? पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, नाइन की पावर थ्री अपॉन टू। अब ये हमें बेटा जी फाइंड करना है। बहुत आसान है। कैसे? देखिए कैसे। 9 की पावर 3/2 मैंने आपको बताया था, अभी बताया था जस्ट, कि जितना भी आपका डिनोमिनेटर होता है मींस हर होता है उसको इसको बेस को उतने पावर में तोड़ देते हैं। कितना है इसका डिनोमिनेटर? 2 है। उसको 2 पार्ट में तोड़ दीजिए। तोड़ दीजिए कितना हो जाता है? 3 × 3। और पावर कितनी है? 3/2। तो मैं क्या इसको 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ? ऊपर पावर कितनी है? 3/2। और देखिए रूल वही फॉलो हो गया, मतलब ए की पावर एन और पावर
एम, तो क्या होता है ए इज ए की पावर एन इंटू एम। बहुत बढ़िया, तो टू इंटू थ्री अपॉन टू, क्योंकि ए की पावर एन पावर एम इक्वल्स टू ए की पावर एन और ये एम, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा रह जाएगा थ्री की पावर थ्री, ये तो और भी है थ्री की पावर थ्री। तो यहाँ हम बेटा जी यहाँ अब और कोई एक्सपोनेंट रूल नहीं लग रहा है हमारा, तो क्या करेंगे सीधा इसका क्यूब कर देंगे, और थ्री का क्यूब कितना होता है 27, 27 होता है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन हो चुका था, अब हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 32 की पावर 2/5, ये हमें सॉल्व करना है, ये भी बहुत आसान है। देखो 32 की पावर 2/5 डिनोमिनेटर आपका कितना है 5 है, मतलब इसको कितने पार्ट में तोड़ना है आपको 5 पार्टों में तोड़ना है, तोड़ दीजिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 4 × 8 × 16 × 32 और उसके ऊपर पावर क्या है 2/5। तो क्या मैं इसको 2 की पावर 5 में लिखता हूँ, क्यों, क्योंकि कितनी बार मल्टीप्लाई इसका 5 टाइम्स, 5 बार है, इसीलिए मैं इसको 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, उसके ऊपर पावर क्या है 2/5। और जब पावर के ऊपर पावर होती है तो कौन सा एक्सपोनेंट लो लगता है ए की पावर एन और पावर एम, मतलब इनका क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, मतलब ये वाला लो लग गया हमारा, ये वाला नियम लग गया हमारा। चलिए अब क्या रह जाएगा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, बहुत बढ़िया है शाबाश, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, अब दूसरा देख लीजिए आगे, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, दूसरे का तीसरा क्या कह रहा है 16 की पावर 3/4, इसका हमें सॉल्यूशन दे रहा है, ये भी बहुत आसान है, देख लीजिए डिनोमिनेटर हर कितना है 4 है, मतलब कितने पार्ट में तोड़ना है आपको 4 पार्ट में तोड़ना है, तोड़ दीजिए, देखिए 2 × 2 × 2 × 2 और पावर 3/4, 2 × 4, 4 × 8 and 8 × 16, तो क्या मैं इसको 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, और ऊपर पावर कितनी है 3/4, तो 2 की पावर 4 पावर के ऊपर पावर होता तो क्या हो जाता पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब 4 × 3/4 होते को कैंसिल 2/3 और 2/3 मतलब 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो 8 इज द राइट आंसर। दूसरे का चौथा देख लीजिए क्या क्वेश्चन है, 125 की पावर 1/3, ठीक है अब इसको मुझे सॉल्व करना है, लेकिन बेटा समस्या क्या है, समस्या ये है कि ये माइनस का है, किसका है ये माइनस का 1/3, अब इसका सॉल्यूशन मैं कैसे दूं, ये बहुत ही आसान है, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, हाउ ऐसे देखिए आपको क्या है माइनस है, माइनस की दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, माइनस को प्लस में बदल देंगे, अब प्लस में कैसे बदलेंगे, प्लस में बदलने के लिए मैं इस पूरे को 1/2 में ला दूंगा, तो ये माइनस के किससे बदल जाएगा प्लस में बदल जाएगा, ठीक है अब 1/125 की पावर 1/3 डिनोमिनेटर कितना है आपका 3 है, मतलब इस 125 को 3 बार तोड़ना है, तोड़ दीजिए 5 × 5 × 5 और पावर कितनी है 1/3, तो आप 1/5 × 5 × 5 को कितना लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और पावर 1/3, और जब पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, मींस 1/5 की पावर 3 × 1/3, मतलब ये एक्सपोनेंट लॉ हमारे यहाँ लग चुका है, ए की पावर एन एन एम, 3 से 3 माइनस होगी कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1/5 की पावर 1 मतलब 5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 2 की पावर 2 अपॉन
थ्री एन टू टू की पावर वन अपॉन फाइव। मुझे इसे सॉल्यूशन देना है, बहुत आसान है। टू की पावर टू बाई थ्री इंटू टू की पावर वन बाय फाइव। और मैंने आपको बताया था जब आपका बेस सेम होता है, मतलब आधार सेम हो, समान हो, और घातें अलग अलग होती हैं, तो बेस कॉमन ले लिया जाता है और घातें जुड़ जाती हैं, मींस पावर ऐड हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एन प्लस एम। ये होता है ना मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ? ऐसा मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। थ्री फाइव कैल्सियम लूंगा, कितना आएगा? थ्री फाइव कैल्सियम 15 आएगा, थ्री फाइव कैल्सियम 15 आएगा, और फिर इसको सॉल्यूशन दूंगा। सबसे पहले थ्री का डिवाइड करो, थ्री फाइव जा थ्री फाइव जा 15 15 और 15 का मल्टीप्लाई टू में, फाइव टू जा 10 प्लस। अब फाइव का डिवाइड 15 में कितनी बार जाएगा? थ्री टाइम्स आएगा, फाइव थ्री जा 15 और थ्री का मल्टीप्लाई थ्री वन में करेंगे तो थ्री वन जा थ्री, तो टू की पावर 10 थ्री 13 अपॉन 15 और 2 की पावर 13 अपॉन 15 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 11 पावर 1 बाय 2 अपॉन 11 ओ सॉरी सॉरी ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं 1 अपॉन 3 पावर 3 और होल पावर 7, मतलब एक बटे तीन की घात तीन और उसके ऊपर की घात क्या है? होल का। चलिए अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे देंगे, बहुत आसान है बच्चों। देखिए 1 अपॉन 3 की पावर 3 एंड होल पावर 7। मैं इसको 1 की पावर 3 और 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का पावर 1 का क्यों कितना होता है? 1 ही होता है, 3 का क्यों लगा हुआ है, और होल पावर कितनी है? जब आपका इस टाइप का क्वेश्चन होता है, अपॉन में संख्या हो, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में संख्या हो, और दोनों में क्या लगा हो आपके पावर लगी हो और सेम पावर होती है, तो बेटा जी आपकी पावर कॉमन आ जाती है। मींस मैं इसको 1 अपॉन 3 की पावर क्यू ले सकता हूं, इसके ऊपर भी पावर है 7, तो मैं इसको पावर 7 लिख सकता हूं। अब देखिए आ गया वो वाली फॉर्म, देखिए हमें ध्यान दीजिए, मैं कर सकता हूँ जैसे कि चूंकि ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन, तो मैं लिख सकता हूँ ए की ए अपॉन बी पावर एन, ये हमारा एक्सपेरिमेंट यहाँ फॉलो हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्या फॉलो कर रहा है? ए की पावर एन और एम फॉलो कर रहा है, मतलब पावर के ऊपर जब पावर होती है तो पावर से क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मैं इसको 1 अपॉन 3 की पावर 3 इनटू 7 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ ये नियम फॉलो हो रहा है। तो 7 3 से कितना होता है? 21, तो 1 अपॉन 3 पावर 21, 1 अपॉन 3 पावर 21 इज द राइट आंसर। देखिए दो क्वेश्चन कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन 11 की पावर 1/4 अपॉन 11 की पावर 1/2। और मैंने आपको बताया था जब आपकी बेस सेम होता है और वो अपॉन में रहे, मतलब डिवाइडेशन में रहे, और पावर अलग अलग होती है, तो पावर क्या हो जाती है बेटा जी? माइनस हो जाती है। जैसे 11 पावर 1/2 अपॉन 11 पावर 1/4, तो आपका बेस कॉमन ले लिया जाएगा और इसकी पावर माइनस हो जाएगी, मींस ये वाला लॉ आपका फॉलो हो जाएगा, ए की पावर एन माइनस एम। तो मैं सॉल्यूशन दे सकता हूँ 11 की पावर 1/2 माइनस 11 की पावर 1/4, इनका एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 4, 4 एलसीएम आएगा। अब डिनोमिनेटर का डिवाइड डिनोमिनेटर से देते हैं, मतलब 2 का डिवाइड अगर 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा ना, मतलब 2 2 जा 4, 2 टाइम्स जाएगा, दो बार जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई इस 1 में कर देंगे तो 2 बन जा 2 माइनस 4 का डिवाइड 4 से देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे तो कितना आएगा बेटा जी? ये 1 आएगा, और 2 माइनस 1 कितना होगा? 1 होगा, मींस 1 अपॉन 4 इज द राइट आंसर। ठीक नोट कर लीजिए,
आगे करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। सेवन की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको अगर ध्यान हो तो मैं आपको एक समराइज कर दूं, याद करा दूं कि कुछ समय पहले हमने एक नियम पढ़ाया था, एक लॉ पढ़ाया था, जिसमें आपको बताया था कि जब बेस अलग अलग होते हैं, जब आधार अलग अलग होते हैं और घातें सेम होती हैं तो आधार का मल्टीप्लायर हो जाता है। कर दीजिए यार, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2 मीन्स क्या हो जाएगा, 7 इंटू 8 पावर 1/2 मीन्स ये लॉ हमारा फॉलो हो रहा है। तो a इंटू b पावर a, तो 7 8 56 एंड पावर 1/2 इज द राइट आंसर।